तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिलहाल आज आप सभी का अपना इंडिया रेलवे की एक नई वीडियो में। तो वीडियो के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले भुसावल पुणे वंदे भारत ट्रेन की, जो कि वाया कल्याण होकर दौड़ाई जाएगी। तो बता दोगे दोस्तों, 28 तारीख को भुसावल मंडल ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। 12860 गाड़ी नंबर है हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस का, जो कि एक गाड़ी है ना भाई 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी है रूट पर। यूँ तो भुसावल मंडल में 130 की गति से LHB रैक वाली गाड़ियां चलने की अनुमति मिल गई थी, मगर कल से ये जो ट्रेनें ये स्टार्ट करवाई जा रही है, सारी ट्रेनें जो है LHB रैक वाली जो रहेगी वो चलाई जाएगी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जहां पर ये खबर निकल कर आई कि अगर 130 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर गाड़ियां चल रही है ना भाई, तो भुसावल से 4 घंटे में बम्बई पहुँचा जा सकता है, 3 घंटे में नागपुर, भोपाल, सूरत ये दिखाना जो है शुरू हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा। मित्रों, यह रेलवे ट्रैक है, कोई रोडवेज नहीं है और यहाँ पर ट्रैक पर रेलगाड़ियाँ की कतारें जो है लगी रहती है। भला हो कि आधुनिक सिग्नल सिस्टम का, जो कि यहाँ पर 8-10 किलोमीटर से घटकर 2-3 किलोमीटर पर आ गया है। यदि गाड़ी को 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाना है तो अमूनन 2 किलोमीटर प्रति मिनट जो है गाड़ी को चलना पड़ेगा और उसका रास्ता लंबी दूरी तक का जो है साफ होना चाहिए। इसकी वजह से गाड़ियों की अधिकतम गति भले 130 किलोमीटर क्यों ना हो, एवरेज जो गति रहती है लगभग पुरानी या उससे जो है थोड़ी बेहतर हो सकती है। अगर हम अभी की वंदे भारत की बात कर ले तो भाई भुसावल मंडल में मुंबई सिटी वंदे भारत, जो कि इगतपुरी से मनमाड़ तक चल रही है, और ऐसे में हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया जा रहा है कि क्यों ना भुसावल पुणे के बीच कल्याण होकर एक वंदे भारत ट्रेन को चला दिया जाए। फिलहाल आप लोगों की क्या पोजीशन, आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो के बारे में जानते हैं कि आखिर और इस पर चीज़ें क्या हुई है। अब मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताते चलूं कि भुसावल पुणे के बीच प्रतिदिन चलने वाली हुतात्मा एक्सप्रेस को स्थानीय यात्रियों के बीच बेहतरीन लोकप्रिय ट्रेन थी, स्थायी रूप से इसको बंद कर दिया गया है। इस गाड़ी में 2 वातानुकूलन चेयर कार भी हुआ करती थी, जो सदा ही लगभग जो है फुल चला करती थी। दूसरी यह गाड़ी कल्याण होकर चलती थी। इसे क्षेत्र के यात्रियों को पुणे, पनवेल, मुंबई के कल्याण, नासिक, मनमाड़ सभी स्टेशनों की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर थी। अतः इस बंद गाड़ी के एवज में वंदे भारत प्रीमियम गाड़ी चलाए जाने में कतई जो है यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हम देखते हैं कि रेलवे प्रशासन प्रत्येक वंदे भारत शुरू करवाने हेतु कुछ पर चर्चाओं को जांचती है कि यहाँ पर कितनी दोस्तों यहाँ पर यात्रियों का कितना प्रतिसाद मिलेगा और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है। हमें बताते चलो कि भुसावल शहर जलगांव जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भुसावल मंडल में बुरहानपुर जिला 50 किलोमीटर, बुलढाणा जिला 100 किलोमीटर पड़ता है। भुसावल जलगांव क्षेत्र से पूरे देश भर में केला इस फल का वितरण जो है काफ़ी बढ़िया जो है किया जाता है। मार के 40 गाँव जंक्शन से धुलिया जो है जिला जुड़ा हुआ है। नासिक यहाँ बड़ा औद्योगिक हब और तीर्थ क्षेत्र भी भुसावल रेल मंडल के अंतर्गत ही आता है। नासिक से पुणे के बीच फिलहाल कोई भी सीधा संपर्क नहीं है, अभी तो हजारों करोड़ रुपए से सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना वर्षों से प्रतिबंध यहाँ पर मतलब दोस्तों प्रस्तावित की गई है, जिसे धरातल पर लाने के लिए और लंबा इंतजार करना होगा। वहीं भुसावल कल्याण के बीच रेल सेवा तो बेहतर है, मगर बसी हवाई जहाज़ तो जलगांव हवाई अड्डे पर ही जो है छोड़ा जाता है और छूटती है, जो कि कभी कभार छूटती है। और दोस्तों यह चीज़ें भी काफ़ी बिल्कुल नाक के बराबर होती है। भुसावल जलगांव क्षेत्र के बहुविध छात्र और कामगार जो वर्ग रहता है नासिक, मुंबई और पुणे के लिए जो है नियमित यात्रा जो है किया करता है। अमूमन जो रेलगाड़ी रहती है बम्बई से लेकर तकरीबन दोस्तों जो 8-9 घंटे का समय लगाती है, 10 घंटे का समय लगाती है, और ऐसे में कोई कोई ट्रेन दोस्तों 12 घंटे तक का समय लगा लेती है और फेयर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है बसों से। तो ऐसे में यहाँ पर भी इस समय को देखते हुए भुसावल पुणे वंदे भारत ट्रेनों को साथ चलाया जाए, जिसका स्टॉपेज जलगांव, पचोरा, 40 गाँव, मनमाड़, लासन गाँव जो कि प्याज की बहुत बड़ी मंडी है दोस्तों, निफाड़ जो कि अंगूर उत्पादन क्षेत्र है, नासिक जो कि बड़ा औद्योगिक शहर और तीर्थ क्षेत्र है, इगतपुरी जो कि भगवान बुद्ध की नगरी है, कल्याण मुंबई कनेक्टिविटी हो तो लोको रिवर्सर जो कि कर्जत, लोनावला, चिंचवड़, शिवाजी होकर जो है इसको पुणे तक पहुंचाया जाए। तो कुछ इस प्रकार का इसका रूट यहाँ पर बातचीत हो रही है और इसका ज़्यादा स्टॉपेज वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का तकनीकी बल स्थान है और गाड़ी में तुरंत पिकअप और काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोलिंग अच्छी रहती है। तो आप लोग यह लेख देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या काफ़ी सजेशन है आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।